टाइम्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी और जीनियस का प्राइम माने जाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भौतिक विज्ञान में अपने अमूल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम इनके अनमोल विचारों को जानते हैं। इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की है। क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है। यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती जिस पर वह उत्पन्न हुई। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो एक घंटा एक सेकंड के समान लगता है। जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हो तो एक सेकंड एक घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। दो चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता, और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। कुछ ही ऐसे हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्ता के प्रति विचारहीन सम्मान सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। महान आत्माओं ने हमेशा मामूली सोच वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना किया है। हर वो चीज़ जो गिनी जा सके मायने नहीं रखती, और हर वो चीज़ जो मायने रखती है वो गिनी नहीं जा सकती। प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम हर एक चीज़ बेहतर ढंग से समझ पाओगे। सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। एक जहाज हमेशा किनारे पर सुरक्षित रहता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बना होता। कोई भी बुद्धिमान मूर्ख चीज़ों को बड़ा और अधिक जटिल बना सकता है। विपरीत दिशा में जाने के लिए थोड़ी सी प्रतिभा और बहुत सारे साहस की जरूरत होती है। कठिनाइयों के बीच ही अवसर छुपे होते हैं। शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीज़ों को भूल जाने के बाद बचती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रश्न करना ना छोड़ें। जिज्ञासा के मौजूद होने के अपने खुद के कारण हैं। एक प्रश्न जो मुझे कभी कभार उलझा देता है, क्या मैं पागल हूँ या बाकी लोग पागल हैं? जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। जिंदगी जीने के केवल दो ही तरीके हैं। एक ऐसे कि मानो कुछ भी चमत्कार ना हो, दूसरा ऐसे कि मानो सब चमत्कार हो। जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं, आप मरना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बस मैं समस्याओं के साथ ज़्यादा देर तक रहता हूँ। केवल वो जो पूरे जी जान से किसी कारण के लिए खुद को समर्पित कर देता है, वही एक सच्चा माहिर बन सकता है। इसी वजह से महारत व्यक्ति से उसका सब कुछ मांगती है। आप कभी फेल नहीं होते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं बस बहुत अधिक जिज्ञासु हूँ। नचरिए की कमजोरी चरित्र की कमजोरी बन जाती है। वो सत्य है जो अनुभव के परीक्षण पर खरा उतरता है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक पढ़ता है और अपने खुद के दिमाग का बहुत कम उपयोग करता है, वह सोचने की आलसी आदत में फंस जाता है। एक ऐसा समय आता है जब दिमाग ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन कभी साबित नहीं कर पाता कि वहां वह कैसे पहुंचा। कल से सीखो, आज के लिए जियो, कल की आशा रखो। जरूरी बात यह है कि प्रश्न करना मत छोड़ो। केवल दूसरों के लिए जिया जीवन ही सार्थक जीवन है। दुनिया के बारे में सबसे ज़्यादा जो बात समझ से बाहर है वो ये है कि इसे समझा जा सकता है। सबसे सुंदर अनुभव जो हमें हो सकता है वो है रहस्यपूर्ण। यह मौलिक भावना है जो सच्ची कला और सच्चे विज्ञान के पालने में खड़ी है। जीनियस और स्टूपिडिटी के बीच अंतर यह है कि जीनियस की अपनी सीमाएं हैं।
बिना गहन सोच के हम अपने रोज़मर्रा के जीवन से जानते हैं कि हम दूसरों के लिए अस्तित्व में हैं। मानव समाज में जो कुछ भी मूल्यवान है वह व्यक्ति को मिले विकास के अवसर पर निर्भर करता है। अगर तुम इसे आसानी से समझा नहीं सकते, मतलब तुमने इसे अच्छी तरह से समझा नहीं है। बुद्धिमत्ता का सही संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना है। प्रशंसा के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना है। शुद्ध गणित अपने आप में तार्किक विचारों की कविता है। कभी कभी लोग उन चीज़ों के लिए सबसे अधिक मूल्य चुकाते हैं जो मुफ्त में मिल जाती है। भेड़ के किसी झुंड का बेदाग सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आपको एक भेड़ होना चाहिए। रचनात्मकता का रहस्य ये जानना है कि अपने स्रोतों को कैसे छिपाया जाए। हम समस्याओं को उसी तरह की सोच इस्तेमाल करके नहीं सुलझा सकते जिसका प्रयोग हमने समस्या पैदा करते वक्त किया था। किसी इंसान का मूल्य इससे देखा जाना चाहिए कि वो क्या दे सकता है, इससे नहीं कि वो क्या ले पा रहा है। ज्यादातर शिक्षक अपना समय ऐसे प्रश्न पूछने में बर्बाद करते हैं जिनका मकसद ये जानना होता है कि छात्र क्या नहीं जानता, जबकि प्रश्न पूछने की सच्ची कला ये पता लगाना है कि छात्र क्या जानता है और क्या जानने में सक्षम है। एक बार जब हम अपनी सीमाएं स्वीकार कर लेते हैं तो हम उनके पार चले जाते हैं। याददाश्त धोखेबाज है क्योंकि ये आज की घटनाओं से रंगी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान हों तो उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाएं। यदि आप चाहते हैं कि वे और भी बुद्धिमान हों तो उन्हें और भी परियों की कहानी सुनाएं। तर्क आपको ए से जेड तक ले जाएगा, कल्पना आपको कहीं भी ले जाएगी। मैं सभी से एक जैसी ही बात करता हूँ, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। कभी भी उस चीज़ को याद मत करो जिसे तुम देख सकते हो। एक चतुर व्यक्ति समस्या को हल कर देता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे बच जाता है। वास्तविकता केवल एक भ्रम है, यद्यपि यह बहुत ही निरंतर है। बूढ़े आदमी की जवान आदमी को सलाह, कभी भी अपने पवित्र जिज्ञासा को मत खो। अगर मैं एक भौतिक वैज्ञानिक नहीं होता तो शायद मैं एक संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत में सोचता हूँ, मैं संगीत में सपने देखता हूँ, मैं अपना जीवन संगीत के रूप में देखता हूँ। ये दुनिया जैसा हमने इसे बनाया है हमारी सोच का परिणाम है। इसे बिना हमारी सोच बदले नहीं बदला जा सकता। मुझे नहीं पता कि किन हथियारों से तृतीय विश्वयुद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्वयुद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। प्यार में गिरने वाले लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं है। दुनिया जीने के लिए खतरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उनकी वजह से जो इसके लिए कुछ करते नहीं हैं। अपने आप को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका किसी और को खुश करना है। जो सही है वो हमेशा प्रसिद्ध नहीं होता, और जो प्रसिद्ध है वो हमेशा सही नहीं होता। मुझे मैं जो हूँ उसे छोड़ने के लिए तैयार होना होगा ताकि मैं वो बन सकूँ जो मैं होऊंगा। एक निराशावादी और सही होने के बजाय मैं एक आशावादी और मूर्ख होना चाहूँगा। सच्चा प्यार चाहे कितना दुर्लभ हो, ये सच्ची दोस्ती से कम दुर्लभ है। केवल वो जो बेतुके प्रयास करते हैं असंभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि लोग इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर है और इनाम की आशा है, तो हम वास्तव में बड़े नीच हैं।